चीन की हरकतों से हर वर्ग में चीन की सरकार के प्रति आक्रोश है। निर्वासित तिब्बती भी चीन के खिलाफ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात कह रहे हैं। इसी कड़ी में मैक्लोडगंज में स्टूडेंट फॉर फ्री तिब्बत ने चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान एसएफटी कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सिर लटकाकर 50 फीट लंबा बैनर लहराया। दो दिन में तैयार किए गए इस बैनर पर डाउन विद चाइना, तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा अंकित था। वहीं एसएफटी ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल में चाइना को वोट न करने की अपील भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की है। रिनजिन छोड़न ने कहा कि हम स्वतंत्र देश भारत में रह रहे हैं, भारत सरकार के आभारी हैं जिन्होंने हमें यहां रहने को शरण दी है। रिनजिन ने कहा कि तिब्बती गुरु दलाई लामा पर गाना बनाने वाले दो कलाकारों और उस गाने को शेयर करने वाले को चीन सरकार की ओर से सजा सुनाई गई है। हमारी भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग है कि तिब्बत की आज़ादी को मान्यता दें। स्टूडेंट फॉर फ्री तिब्बत की नेशनल डायरेक्टर रिनजिन छोड़न ने कहा कि 23 जुलाई का दिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी CCP के लिए खुशी का दिन है, लेकिन तिब्बत सहित अन्य 3-4 देशों के लिए दुख की बात है क्योंकि हजारों लोगों को CCP ने मौत के घाट उतारा है। '59 में चीन ने तिब्बत में कई तिब्बतियों को मौत के घाट उतारा है। तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा का हमारा नारा है क्योंकि जब तक तिब्बत को आज़ाद देश नहीं घोषित किया जाता तब तक भारत सहित नेपाल, भूटान या अन्य देश उनमें चीन का घुसपैठ जारी रहेगा। हमारी भारत से यही मांग है कि तिब्बत को एक स्वतंत्र देश की मान्यता प्रदान करें। अक्टूबर माह में जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए वोटिंग होगी तो चीन को वोट न करें क्योंकि चीन द्वारा हमेशा मानवाधिकार कानून की अवहेलना की गई है। सांसद सुरेश कश्यप को भाजपा का अध्यक्ष बनाए जाने पर सोलन भाजपा में खुशी की लहर देखी जा रही है। सोलन भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश कश्यप ने मीडिया से अनौपचारिक बैठक की और सांसद सुरेश कश्यप को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर शीर्ष के नेताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने इस मौके पर सांसद सुरेश कश्यप को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि सुरेश कश्यप भाजपा को मजबूती प्रदान करने में एक मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि सुरेश कश्यप एक अनुभवी नेता हैं और उस अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को अवश्य मिलेगा। इस मौके पर भाजपा वरिष्ठ नेता राजेश कश्यप ने कहा कि काफी समय से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन चल रहा था। इस मंथन से प्रदेश भाजपा को नायाब हीरे के रूप में सांसद सुरेश कश्यप जैसा अनुभवी अध्यक्ष मिला है। उन्होंने कहा कि सांसद सुरेश कश्यप अनुसूचित जाति से, जिसका भाजपा को बेहद लाभ भविष्य में होगा। उन्होंने कहा कि वे किसान के बेटे हैं और सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने BDC से अपना राजनीतिक सफर आरंभ किया, फिर विधायक और सांसद बनकर अपने आप को सफल नेता साबित किया, जिसके चलते उन्हें आज भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने कहा कि सुरेश कश्यप युवा और ऊर्जावान नेता हैं, उनके नेतृत्व में भाजपा और मजबूत होगी और आने वाले चुनावों में भाजपा प्रदेश में फिर से सत्ता तीन होगी।